हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि एमपीएच मास्टर इन पब्लिक हेल्थ के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल हैं, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स के लिए होते हैं, जैसे कि एम्स, निमहांस बेंगलोर, TISS मुंबई, IIPH, जिपमेर, पौंडचेरी, JNU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटीज जिसमें कि एमपीएच एंट्रेंस एग्जाम होता है मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ के एमपीएच और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे पहले के वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 1 से 75 तक बताए गए हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, बर्ड फ्लू इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स ह्यूमन बीइंग एंड स्प्रेड्स थ्रू। बर्ड फ्लू एक बीमारी है जो कि मनुष्यों को इफेक्ट करती है, और ये किससे फैलती है? ऑप्शन ए सी पोल्ट्री, सिल्क वॉर्म, मील वॉर्म। तो सही इसका आंसर है पोल्ट्री, मुर्गी पालन से होता है, उससे बर्ड फ्लू जो डिजीज है वो फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करेक्टली द इन्फेक्शियस एजेंट गिवन इन लिस्ट फर्स्ट विद द डिजीज कॉज्ड बाय देम इन लिस्ट सेकेंड। जो इन्फेक्शियस एजेंट है लिस्ट फर्स्ट में, उसको मैच करना है जो उनसे डिसीज होती है, डिसीज कॉज्ड बाय देम, जो उनसे डिसीज बीमारी जो होती है लिस्ट सेकंड में। यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट में जो है इन्फेक्शियस एजेंट है और लिस्ट सेकंड में डिसीज है। ए पे है बैक्टीरियम, इसका जो करेक्ट मैच है ये ट्यूबरकुलोसिस के साथ है। बी पे है फंगस, करेक्ट मैच रिंग वॉर्म के साथ है। सी पे प्रोटोजोआंस, करेक्ट मैच काला आजार के साथ है। डी पे वायरस का करेक्ट मैच जो है ये इन्फ्लुएंजा के साथ है। तो यहाँ पे करेक्ट मैच बताए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विटामिन विच इज वाटर सोल्यूबल एंड जनरली एक्सक्रेटेड इन यूरिन इज। ऐसा विटामिन जो कि वाटर सोल्यूबल है, वाटर में मिल जाता है, एंड जनरली एक्सक्रेटेड इन यूरिन इज, और जो यूरिन के साथ जो बाहर निकल जाता है वो होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। करेक्ट आंसर है विटामिन सी। द विटामिन विच इज वाटर सोल्यूबल एंड जनरली एक्सक्रेटेड इन यूरिन इज विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग मे बी करेक्टली इन्फर्ड इफ द स्टेटमेंट सम पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विद एम्लोडोफिन इज ट्रू। विच वन अमंग द फॉलोइंग मे बी करेक्टली इन्फर्ड, इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली इन्फर्ड हो सकता है, इफ द स्टेटमेंट, यदि ये स्टेटमेंट है सम पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विद एम्लोडोफिन इज ट्रू। सम पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन, कुछ पेशेंट जो कि हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विद एम्लोडोफिन, इनको एम्लोडोफिन से इफेक्टिवली ट्रीटेड किया जा सकता है। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट बताना है जो ट्रू है? ए है, इट इज फॉल्स दैट नो पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विद एम्लोडोफिन। बी, इट इज फॉल्स दैट ऑल पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विद एम्लोडिफिन। सी, इट इज ट्रू डेट ऑल पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विद एम्लोडिफिन। डी, इट इज फॉल्स डेट सम पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विद एम्लोडिफिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, इट इज फॉल्स डेट ऑल पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विद एम्लोडिफिन। यहाँ पे क्वेश्चन था, विच वन अमंग द फॉलोइंग मे बी करेक्टली इन्फर्ड, कौन सा इनमें से करेक्टली स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली इन्फर्ड हो सकता है, इफ द स्टेटमेंट सम पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विद एम्लोडिफिन इज ट्रू। करेक्ट आंसर है, इट इज फॉल्स डेट ऑल पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विद एम्लोडिफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में कौन सा इनमें से इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, हाइपोथैलेमस, स्प्लीन। करेक्ट आंसर है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इज इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉन्ट्स ऑफ फेस ब्लीड प्रोफ्यूसली बिकॉज।
जो बॉन्ड होते हैं, घाव जो होते हैं फेस के, वो ब्लीड करते हैं, उनमें खून बहता है प्रोफेशनली बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि ऑप्शन है ऑफ इट्स रिच वेस्कुलरिटी, इट इज क्लोज टू हार्ट, इट्स स्किन इज सॉफ्ट ड्यू टू फास्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेसियल मसल. करेक्ट आंसर है ऑफ इट्स रिच वेस्कुलरिटी. द बॉन्ड्स ऑफ फेस ब्लीड प्रोफेशनली बिकॉज ऑफ इट्स रिच वेस्कुलरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिसीज एंड नेचर एज आर करेक्टली मैच्ड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इनमें से कौन सा जो पेयर है डिसीज का, बीमारियों का, एंड नेचर, और उनकी जो नेचर होता है, उनकी जो प्रकृति होती है, एज आर करेक्टली मैच्ड, कौन सा इनमें से करेक्टली मैच्ड है. ऑप्शन है फर्स्ट स्कर्वी न्यूट्रिशनल, सेकेंड मलेरिया डिजनरेटिव, थर्ड हीमोफेलिया हेरिडिटरी. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट एंड थर्ड ओनली है, स्कर्वी न्यूट्रिशनल हीमोफेलिया हेरिडिटरी. दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है नोसोकोमियल इन्फेक्शन इज. ऑप्शन है एक्वायर्ड फ्रॉम नोज ऑफ ह्यूमंस, एक्वायर्ड फ्रॉम नजल कैविटी ऑफ एनिमल्स, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, एंड एपिडेमिक डिसीज एंडेमिक डिसीज. करेक्ट आंसर है हॉस्पिटल रिक्वायर्ड. नोसोकोमियल इन्फेक्शन इज हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट इंस्टीट्यूट विद लिस्ट सेकंड लोकेशन. लिस्ट फर्स्ट में इंस्टीट्यूट के नाम है और लिस्ट सेकंड में उनका लोकेशन है. एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. यहाँ पे करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है. लिस्ट फर्स्ट में इंस्टीट्यूट है और लिस्ट सेकंड में लोकेशन है. ए पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी न्यू दिल्ली में है. बी पे नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे में है. सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हैदराबाद में है. नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर में है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से बता दूं मैं. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी न्यू दिल्ली में है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे में है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हैदराबाद में है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन प्रिवेंट्स फ्रॉम विच डिसीज. बीसीजी की जो वैक्सीन होती है वो कौन सी बीमारी से प्रिवेंट्स करती है, उस कौन सी बीमारी से रोकती है. ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, डिप्थेरिया, ट्यूबरक्लोसिस और टीबी, टाइफाइड. करेक्ट आंसर है ट्यूबरक्लोसिस और टीबी. बीसीजी वैक्सीन प्रिवेंट्स फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस और टीबी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन ह्यूमन ब्लड काउज डेट. व्हाट परसेंट ऑफ एल्कोहल, कितना परसेंट जो एल्कोहल होता है इन ह्यूमन ब्लड, मनुष्य के ब्लड में काउज डेट, जिससे कि डेथ हो जाती है. ऑप्शन है 2, 3, 5, 7. करेक्ट आंसर है 5.0. यहाँ क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन ह्यूमन ब्लड काउजेज डेथ. करेक्ट आंसर है 5.0. 5.0% ऑफ एल्कोहल इन ह्यूमन ब्लड काउजेज डेथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है साइडोरोसिस इज अ डिसीज काउज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ. साइडोरोसिस एक बीमारी है जो कि किससे, इनहेलेशन से होती है, सांस लेते हैं तो किसके किसके द्वारा सांस लेने से होती है. ऐसी कौन सी चीजें जिसको सांस लेने में हम लेते हैं जिससे कि साइडोरोसिस बीमारी हो जाती है. ऑप्शन है सिलिका डस्ट, आयरन डस्ट, जिंक डस्ट, कोल डस्ट. करेक्ट आंसर है आयरन डस्ट. आयरन के जो डस्ट होते हैं साइडोरोसिस, आयरन डस्ट को इनहेलेशन से साइडोरोसिस डिसीज होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है ब्रिंजल इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन. ब्रिंजल जो है ये आयरन का गुड सोर्स है. सेकेंड है पंपकिन इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए. पंपकिन विटामिन ए का गुड सोर्स है. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट. कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है. सही ऑप्शन है बी ओनली 2. सेकेंड स्टेटमेंट सही है. पंपकिन इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए. पंपकिन जो है ये विटामिन ए का गुड सोर्स है. ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है. ब्रिंजल इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. ब्रिंजल के बारे में बता दूं मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है ब्रिंजल से रिलेटेड. ब्रिंजल इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर. ब्रिंजल जो होता है ये फाइबर का एक अच्छा सोर्स है. एंड हैज वेरी लो कार्बोहाइड्रेट, इसमें बहुत कम कार्बोहाइड्रेट होता है. डेट हेल्प टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, जिससे कि ब्लड शुगर का जो लेवल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं. डायबिटिक पेशेंट्स मस्ट मेक दिस वेजिटेबल अ पार्ट ऑफ देयर डेली डाइट. जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको जो ब्रिंजल की वेजिटेबल है उसको डेली डाइट में शामिल करना चाहिए. इन ऑर्डर टू ब्रिंक डाउन देयर ब्लड शुगर लेवल, उनका जिससे कि उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम रहे, कंट्रोल में रहे. तो यहाँ पे
जो सेकंड ऑप्शन है ये केवल सर करेक्ट है, पंपकिन इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए और ब्रिंजल इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज हु रिसीव वेरी लिटिल सनशाइन सफर फ्रॉम, चिल्ड्रन जो होते हैं स्पेशली जो कि वेस्टर्न कंट्रीज से होते हैं वो रिसीव वेरी लिटिल सनशाइन, जिनको बहुत कम मात्रा में धूप मिलती है, सफर फ्रॉम, वो कौन सी बीमारी से सफर करते हैं। करेक्ट आंसर है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यूज ऑफ क्लोरोमाइंस इंश्योर्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो क्लोरोमाइंस का यूज करते हैं उससे क्या इंश्योर होता है। करेक्ट आंसर है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन रोगाणुनाशक के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्लांट में क्लोरोमाइंस का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वायरस ऑफ एड्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ, एड्स का जो वायरस होता है वो किसकी ग्रोथ को अफेक्ट करता है। ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, आरबीसीज इन ब्लड, टी सेल्स इन ब्लड, ग्रे सेल्स इन ब्रेन। करेक्ट आंसर है टी सेल्स इन ब्लड। द वायरस ऑफ एड्स अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ, जो वायरस ऑफ एड्स होता है, एड्स का वायरस होता है वो ग्रोथ जो होता है वो जो वृद्धि होती है टी सेल्स इन ब्लड उनको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म इबोला स्टैंड फॉर, इबोला जो टर्म है उसका क्या स्टैंड है। करेक्ट आंसर है अ वायरल डिसीज आउटब्रेक इन वेस्ट अफ्रीका। अ वायरल डिसीज आउटब्रेक इन वेस्ट अफ्रीका स्टैंड फॉर इबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमनली नोन एज व्हाइट प्लेग, व्हाइट प्लेग को कॉमनली क्या कहते हैं। ऑप्शन है टाइफाइड, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग। करेक्ट आंसर है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज कॉमनली नोन एज व्हाइट प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस को कॉमनली व्हाइट प्लेग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट फर्स्ट में डिसीज है और लिस्ट सेकंड में कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे करेक्ट मैच करना है। तो यहाँ पे कोलेरा जो डिसीज है इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ये विब्रियो है, इन्फ्लुएंजा का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म माइक्सो वायरस है, ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म माइको बैसीरियम है, टाइफॉइड का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म सल्मोनेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग ऑफ बोन्स, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, इनमें से कौन सा एलिमेंट्स है जिसके की डिफिशियंसी से कमी से इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग ऑफ बोन्स, जो बोन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट कैल्शियम, सेकंड फास्फोरस, थर्ड नाइट्रोजन, फोर्थ कार्बन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर ए है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, कैल्शियम एंड फास्फोरस। डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस एलिमेंट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग ऑफ बोन्स, बोन्स के जो वीक होता है तो हड्डियां जो कमजोर होती हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे विटामिन B1 का जो करेक्ट मैच है ये थाइमिन के साथ है, विटामिन B2 का करेक्ट मैच रिबोफ्लेविन के साथ है, विटामिन B6 का करेक्ट मैच पायरीडॉक्सिन के साथ है, विटामिन B12 का करेक्ट मैच साइनोकोबैलामिन के साथ है। एक बार फिर से बता दूं मैं, विटामिन B1 का जो करेक्ट मैच है ये थायमिन के साथ है, विटामिन B2 का करेक्ट मैच रिबोफ्लेविन के साथ है, विटामिन B6 का करेक्ट मैच पायरीडॉक्सिन के साथ है, विटामिन B12 का करेक्ट मैच साइनाकोबैलेमिन के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटर कोटिंग ऑफ अ कैप्सूल इज मेड अप ऑफ, आउटर कोटिंग जो होती है कैप्सूल की वो किससे बनी होती है। ऑप्शन है प्रोटीन, कैल्शियम कार्बोनेट, सेलुलोज, स्टार्च। करेक्ट आंसर है स्टार्च। आउटर कोटिंग ऑफ अ कैप्सूल, कैप्सूल की जो आउटर कोटिंग होती है वो स्टार्च की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, किससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ऑप्शन है लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज, ग्लूकोज। करेक्ट आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स आर मेनली, एंजाइम्स क्या होते हैं। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, एमिनो एसिड। करेक्ट आंसर है प्रोटीन। एंजाइम्स आर मेनली, एंजाइम्स जो होते हैं ये मेनली प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करेक्टली द न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी गिवन इन लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट फर्स्ट में न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी दी है विद द डिसीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी गिवन इन लिस्ट सेकंड,
लीड सेकंड में जो डिसीज कॉज्ड बाय, डिसीज जो है वो दे रखी है। तो लिस्ट फर्स्ट में न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है और लीड सेकंड में डिसीज है। आयोडीन की जो डिफिशियंसी है इससे गोइटर डिसीज होती है। आयरन की डिफिशियंसी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। नियासिन की डिफिशियंसी से पेलेगिया होता है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी से परनीसियस एनीमिया होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आयोडीन की डिफिशियंसी से गोइटर, आयरन की डिफिशियंसी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया, नियासिन की डिफिशियंसी से पेलागिया, विटामिन B12 की डिफिशियंसी से परनीसियस एनीमिया होता है। तो यहाँ पे आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी दी गई है जो कि विभिन्न इंस्टीट्यूट्स के लिए होने वाले MPH मास्टर इन पब्लिक हेल्थ एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है, जैसे कि एम्स, निमहांस बेंगलोर, TISS मुंबई, IIPS, जिप्मर, पांडुचेरी, JNU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिनके लिए MPH के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के MPH एंट्रेंस एग्जाम और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।